गरीब हो या अमीर, एक दूसरे के लिए की गई मदद ही एक बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से लखनादौन के आधे गांव में देखने को मिली है, जहां पर आधे गांव युवा संघर्ष मंच के सभी नौजवानों द्वारा कई किलोमीटर जंगल, पहाड़ और कच्चे रास्ते में चलकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए क्या जंगल, क्या पहाड़, क्या कच्चा रास्ता, बेखौफ होकर आधे गांव युवा संघर्ष मंच के सभी युवाओं और मीडियाकर्मी आए। कोरोना जैसी महामारी, लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले कई परिवारों के लिए रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को लेकर उत्पन्न परेशानियों को देखते हुए शासन द्वारा ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले असहाय परिवारों के लिए कई योजनाएँ लागू कर रही है, जहाँ आधे गांव युवा संघर्ष मंच के सभी के सहयोग से गरीब परिवारों के बीच जाकर राशन बांट रहे हैं, जिसमें 3 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, तेल, पाउच, नमक, साबुन, शक्कर शामिल है, जो गरीब परिवार तक पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक 200 गरीब परिवार तक भेज दिया गया है और अभी गरीब परिवार की मदद करने में आगे भी लगे हुए हैं। इंसान को हमेशा निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। शिवनी से महबूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।